खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। प्रदेश में चलाए जाते लघु धान्य विस्तार योजना, गन्ना में तना छेदक रोग ले बचाव की तकनीकी जानकारी, प्याज के पूसा माधवी किस्म और केला के सफल खेती। नीति, कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवतरित है और ये बदलाव मल्ला किसान मन हा अपना के फायदा उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में फसल के उत्पादन और मांग ला देखते हुए लघु धान्य जैसे रागी, कोदो और कुटकी फसल के वृहद प्रदर्शनी आयोजित करे गए है, जेकर अंतर्गत 2,000 रुपया ले 3,000 रुपया तक के अनुदान दिए जाही। इसने धान फसल के भी प्रदर्शनी आयोजित करे गए है, जेमा किसान मन ला खेत के तैयारी, बीज, पौधा संरक्षण, सूक्ष्म पोषण और विशेषज्ञ सेवा आदि पर सहायता दिए जाही। तो हमर किसान भाई मन सरकार के ये योजना ले लाभ उठा के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में उमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकते। गर्मी के मौसम में गन्ना में तना छेदक रोग के प्रकोप ज्यादा रहते। ये रोग से गन्ना के पेड़ी ठीक से मोटा नहीं हो पाए, रस कम और पेड़ सूख जाते। ये रोग ले बचाव करे बर फोरेट 10G दानेदार दवा ला 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए। प्रभावित पेड़ी ला उखाड़ के जला देना चाहिए। एकर ले गन्ना हा बने उत्पादन देते और लाभ मिलते। अब खेती से संबंधित खास खबर। सिंचाई क्षमता में विस्तार ला सबले ऊंचा प्राथमिकता दे खातिर बजट ला 16% के बढ़ोतरी करे गए है। कृषि उपकरण, कृषि के मशीनीकरण ले बहुत किसान भाई मन ला, एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये इसको पावर टीलर बोलते हैं, ये भी पावर टीलर जैसे हम लोग ट्रैक्टर में रोटोटर का काम कराते हैं ना, उसी तरह जरा इसमें भी ये फाल लगे हुए हैं, रोटोटर जिसको रोटोटर बोलते हैं। और ये छोटे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छे मतलब चीज़ है, जिसे मट्टी को बहुत ढीला ढीला जैसा रहता है ना, उसको बारीक कर देते हैं, बारीक करके फिर मट्टी उपजाऊ बन जाता है। नई किस्में, नवा नवा किस्म अपनाए ले, नवा नवा बीज अपनाए ले, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। साग भाजी के खेती करिया किसान भाई मन ला प्याज के एक उन्नत किस्म पूसा माधवी के जानकारी देवत हन। ये किस्म के प्याज पर गर्म और आद्र जलवायु बने होते, जीवांश युक्त और उपजाऊ माटी में लगाए ले ये हर बने उत्पादन देते। प्याज की ये फसल है दिखे में गोल, एक समान, गहरा लाल, मध्यम तीखा और अधिक उत्पादन देते। लगभग 4 ले 5 महीना में तैयार ये फसल के एक एक फल है 100 ले 150 ग्राम तक वजन रहते। तो हमर किसान भाई मन प्याज की ये किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। अगर कोनो किसान है नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन हा पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी और फल फूल के खेती घलो करत है और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत है। ऐसा है दुर्ग जिला के किसान गोपाल भैया हा अपन 1 एकड़ के खेत में केला के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हावे। और जानकारी देवत गोपाल भैया बताते कि ओखर ये केला के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 60 ले 70 हजार रुपए तक के खर्चा आए हावे। और ओखर ये अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 1,30,000 रुपया ले 1,50,000 रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली ही। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकते और उहु मन उन्नत तरीका ले फल फूल के खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झनला जय जोहार। नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमर प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जीवन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1,150 रुपया और अधिकतम भाव 1,501 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1,200 रुपया और अधिकतम भाव 1,445 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1,104 रुपया और अधिकतम भाव 1,420 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1,010 रुपया
और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति क्विंटल। टमाटर आज 20 से 25 रुपए किलो है, प्याज 50 से 60 रुपए किलो चल रही है, आलू 15 से 16 रुपए किलो है, हरी मिर्ची धनिया लो 50 से 60 रुपए किलो हरी मिर्ची धनिया चल रही है। अब बारी है मंडी समीक्षा की। बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति क्विंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति क्विंटल। धान स्वर्णा मसूरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1425 रुपया प्रति क्विंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान संभा मसूरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति क्विंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान मध्यम ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति क्विंटल। धान स्वर्णा मसूरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति क्विंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति क्विंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मसूरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति क्विंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति क्विंटल। धान संभा मसूरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। हाँ किसान भाइयों नमस्कार। अब क्योंकि मानसून का ये चौथा महीना चल रहा है और मानसून के चौथे महीने में यानी कि क्या स्थिति उत्पन्न हुई है वो जिलेवार स्तर पर लगभग यानी कि छत्तीसगढ़ में -1% वाली पोजीशन, क्योंकि सितंबर में कम बारिश हुई है इसलिए -1% यानी कि अब स्थिति बन गई है छत्तीसगढ़ के पूरे राज्य के हिसाब से। और जिलेवार स्तर पर लगभग सूखे की स्थिति एक जशपुर और दूसरा सरगुजा, जिसमें लगभग -54% या -51% बारिश हुई है और बाकी ज़िलों में सामान्य है। तो इस टाइप से और अभी खेती किसानी के लिए अच्छा वो है क्योंकि बारिश भी रुकी हुई है, तो खेती किसानी के हिसाब से किसान भाई कुछ ऑपरेशन अपने फील्ड में कर सकते हैं, जैसे पौध रोग संरक्षण और अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं। तो उसमें है कि जैसे धान के पौधे कंसा फूटने की अवस्था में है इसलिए नाइट्रोजन का दूसरे किस्त अभी एप्लीकेशन किया जा सकता है या उसको लगाए अप्लाई किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि अभी तना मोड़क कीटों का भी प्रकोप चल रहा है, तो उसके लिए किसान भाई कार्बोफिरान 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। और उसके अलावा धान की फसल में ब्लास्ट का भी प्रकोप है, जिसके लिए टाइसाइक्लोजोल 120 ग्राम प्रति एकड़ की दर से एवं रोग की तीव्रता के हिसाब से 10 से 12 दिन के बाद में पुनः छिड़काव करने की भी सलाह किसान भाइयों को दी जाती है। तो इस प्रकार से अभी निंदर नियंत्रण का भी अच्छा समय है, तो किसान भाई दलहनी एवं तिलहनी फसलों में और धान की फसल में निंदर नियंत्रण का कार्य करते रहें ताकि उनका क्रॉप प्रोडक्शन पे बुरा फसल उत्पादन पर बुरा प्रभाव न पड़े और बाद में शुद्ध बीज भी प्राप्त हो सके। इस प्रकार से किया जा सकता है। कुछ धान शीघ्र पकने वाली धान की फसल पुष्पन अवस्था में है, तो उसके लिए किसान भाइयों के लिए सलाह दी जाती है कि नत्रजन की तीसरी और अंतिम किस्त का उपयोग करें। और इसके अलावा अभी जो है मौसम की स्थिति वो इस प्रकार से देखी जा सकती है, तो कि अभी कोई सिस्टम नहीं है, यानी कि अभी हल्की फुल्की वर्षा ही की संभावना है, क्योंकि बिहार और झारखंड में उत्तरी हवा में कुछ कम दबाव का क्षेत्र है और जिसका बहुत ही कम प्रभाव यानी कि छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में सिर्फ बदली वाली परिस्थिति तक का आ सकता है और छिटपुट वर्षा की संभावना हो सकती है। बाकी आप देख सकते हैं कि अभी और कोई सिस्टम नहीं है इसमें और सिर्फ बंगाल की खाड़ी में, वो भी काफ़ी दूर में स्थित है, यानी कि इस टाइप का सिस्टम बना हुआ है। तो इसको देखते हुए किसान भाई छिटपुट वर्षा और ज़्यादा वर्षा होने की संभावना नहीं है, उसके लिए जल प्रबंधन भी करते रहें साथ में और इस प्रकार से यानी कि जो सलाह दी जाती है उसको भी यानी कि अपना खेती क्रिया में शामिल करें। धन्यवाद। ए लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे न्यू लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूँ? हाँ, मैं ऐसे ही करूँगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी, जी, जी। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कृषि संबंधी नई नई जानकारियों से अवगत कराते हैं। आइए आज हम आपको शिमला मिर्च की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी देंगे। शिमला मिर्च सोलेनेसी कुल का एक बहुत ही खूबसूरत और नाजुक मिजाज का फल है। सिर्फ इसके कुल की ही वजह से इसके नाम के साथ मिर्च शब्द जुड़ गया है, वरना इस मिर्च में मिर्च वाली कोई बात नहीं है। इसलिए इस मिर्च का इस्तेमाल भी वैसा नहीं होता जैसा कि अन्य मिर्चों का हुआ करता है। फर्क ये होता है कि सामान्य मिर्च को किसी और सब्जी में डालकर खाई जाती है और शिमला मिर्च को किसी सब्जी की तरह खाई जाती है। एक ही कुल में होने की वजह से गुणधर्म और तासीर में शिमला मिर्च अन्य मिर्चों से काफ़ी समान है। शिमला मिर्च भी विटामिन ए और सी का अच्छा स्रोत होता है। शिमला मिर्च न सिर्फ ढेरों व्यंजन बनाने के काम में आता है बल्कि इससे बनने वाले अचार की भी अच्छी मांग होती है। नाजुक सी नजर आने वाली शिमला मिर्च का पालन पोषण भी थोड़ा नरमाई से हो तो भरपूर फसल प्राप्त होता है। शिमला मिर्च के लिए जीवांशयुक्त दोमट भूमि सबसे अच्छी पाई गई है। अच्छा संयोग है कि इस मिर्च के लिए हमारे राज्य की जलवायु और भूमि दोनों ही अनुकूल है, बशर्ते निंदाई गुड़ाई का भी पूरा ख्याल रखा जाए और खरपतवार से निवारण पाने के लिए भी प्रयासरत रहा जाए। अगर कोई काश्तकार बंधु शिमला मिर्च लगाने जैसा कुछ नया सोचता है तो निश्चित मानिए वो बहुत ही समझदार साबित होगा,
क्योंकि इस अपारंपरिक फसल को उपजाकर यहाँ के बहुत से किसान समृद्ध हो रहे हैं। सबसे पहले अहम बात जो होती है हमारी जुताई की, जितने अच्छे गहरी से गहरी जुताई कर लें और साथ में ये ध्यान रखें कि रोटावेटर ढीला निकला हुआ है तो रोटावेटर भी चला लें ताकि बारीक से बारीक अपन मिट्टी के तोड़ाई कर सकें। जितनी बारीक अच्छी जुताई होगी उतना अच्छा रेजर के माध्यम से इसमें कैरी खींच सकते हैं अपन। जब अपन जुताई अच्छी तरीके से हो जाए, रोटावेटर चला लें, ढीले के तोड़ाई हो जाए अच्छी तरीके से, उसके बाद में जब क्यारी खींचने का टाइम आता है तो अपन विशेष तौर पे रेजर का माध्यम से इसमें क्यारी खींच सकते हैं। और एक ढाल जो रहता है पानी निकासी का, वो हमेशा आखिरी में रहना चाहिए, उसके माध्यम से पानी पूरा बाहर निकल जाता है। साथ ही साथ इसमें जब जुताई करने के बाद अपन क्यारी खींच लेते हैं, क्यारी खींचने के बाद में जब इसमें मल्चिंग सीट बिछाने से पहले ड्रिप पाइपलाइन लगा करके इसको चेक कर लेते हैं ताकि ड्रिप पाइपलाइन से पूरा पानी टपक रहा है कि नहीं टपक रहा है। साथ ही साथ जब वो पूरा काम हो जाए उसके बाद में अपन मल्चिंग सीट बिछाते हैं। मल्चिंग सीट बिछाने से ये होता है कि इसमें खरपतवार जो है वो उग नहीं पाते, इसलिए अपन मल्चिंग सीट बिछाते हैं। साथ ही साथ पानी जो है वो कम मात्रा में इसमें लगता है अपने को ड्रिप के माध्यम से। और इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह इसमें मिलता है कि इसमें जो सूरज की किरण पड़ती है उससे जो अपना पानी का ज़्यादा मात्रा अपने को पानी का लगता था, उस जगह पे पानी की मात्रा कम लगती है अपने को। किसान भाइयों, शिमला मिर्च की खेती में ड्रिप पद्धति का बहुत महत्व होता है। सिंचाई कब कब और कितनी मात्रा में करें, आइए जानकारी लेते हैं। शिमला मिर्च की सफल खेती और अधिकतम उत्पादन के लिए सिंचाई व्यवस्था को लेकर सतर्क रहने की अति आवश्यकता है। शिमला मिर्च के लिए जल का इंतजाम जितना जरूरी होता है उतनी ही आवश्यकता जल निकासी की भी होती है। शिमला मिर्च के पुष्पन और फलन के समय भूमि में पर्याप्त नमी का होना नितांत जरूरी होता है, क्योंकि नमी की कमी से जहां पौधे की बढ़वार रुक जाती है वहीं दूसरी तरफ फल भी गिर जाते हैं। किसान भाइयों, ड्रिप का एक विशेष महत्व है। अपन जो जिस पौधे को अपने को जितनी मात्रा में अपना रिक्वायर है पानी का, उस मात्रा में अपन उसको पानी दे सकते हैं, इसलिए ड्रिप पाइपलाइन का सदैव उपयोग करें। और साथ ही साथ यदि मल्चिंग सीट का आपने उपयोग किया हुआ है तो बहुत अच्छा है। इस जगह जैसे अपन मल्चिंग सीट लगाते हैं, मल्चिंग सीट लगाने के बाद में उसमें ऊपर गोल छेद कर लेते हैं, गोल छेद करके उसमें एक एक पौधा अपन आसानी से लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि अपना मल्चिंग सीट ज़्यादा डैमेज भी नहीं होता है और गोल छेद में ही अपन ऊपर से मान लो हल्का दो दाना यूरिया भी डालना है तो अपन दो दाना यूरिया डाल सकते हैं। किसान भाइयों, शिमला मिर्च की खेती में खाद प्रबंधन का भी बहुत महत्व होता है। कौन कौन से खाद कब कब और कितनी मात्रा में दें, आइए जानकारी लेते हैं। अच्छी उपज के लिए 250 से 300 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद, 70 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह से भूमि में मिलाकर देना चाहिए। नत्रजन की आधी मात्रा और पोटाश की पूरी मात्रा प्रक्षेत्र की अंतिम तैयारी के समय दें और बची आधी नत्रजन को 35 से 40 दिनों के बाद में दे देना चाहिए। संकर प्रजातियों में नत्रजन की मात्रा 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम और पोटाश की मात्रा 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाना उचित होता है। किसान भाइयों, शिमला मिर्च की खेती में कुछ रोग लगने की भी संभावनाएं होती हैं। ये रोग क्या क्या हैं, इनसे कैसे बचा जाए, आइए जानकारी लेते हैं। शिमला मिर्च की फसल में दो प्रकार के रोगों का प्रकोप ज्यादातर देखा गया है। पहला है लीफ कर्ल या पत्ती कुंचन रोग। इस रोग की पहचान ये होती है कि इसमें पौधे की पत्तियों का एक स्थान पर एकत्र होकर मुड़ जाना और एक ही ओर मुड़ा होना, जिससे कि पौधे बौने रह जाते हैं। मिर्च का पौधा पौधा ना होकर एक झाड़ी नुमा रचना हो जाती है। इस रोग से प्रभावित पौधे में फूल बहुत ही कम निकलते हैं, फलों की संख्या और आकार में बेहद कमी आ जाती है, साथ ही फलों में एक विकृति सी भी आ जाती है जिसके कारण इसका बाजार भाव भी कम हो जाता है।
ये रोग तंबाकू पत्ती कुंचन वायरस से उत्पन्न होता है। इस रोग का संचरण छोटी सफेद मक्खी जो बीमिसिया टेबेकाई कहलाती है उसके द्वारा होती है। इस रोग से रोकथाम के लिए रोगी पौधे को तुरंत उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए, जिससे कि रोग के प्रचार को विराम दिया जा सके। इसके अलावा इन रोगों से बचने के लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा अनुशंसित दवाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए, या फिर रोग प्रतिरोधी किस्मों की खेती करके भी ऐसे रोगों के जंजाल से मुक्ति पाई जा सकती है। मिर्च फसल की दुश्मन दूसरे रोग का नाम है एंथ्रेकोनोज या शामवर्ण रोग। इस भयानक रोग से 12-35% तक उपज प्रभावित हो सकती है। इस रोग को पहचाना इस तरह से जाता है कि पौधा ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगता है और सूखे हुए भागों में पत्तियां गिरने लगती हैं। रोग के इस लक्षण को डाईबैक या शीर्षरंभि कहते हैं। इन पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए ताकि इसका प्रचार रोका जा सके। ये फफूंद जनित रोग है। इसका प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से ही हो तो बेहतर होता है। किसान भाइयों, मिर्ची के अंदर विशेष तौर पर जब अपन नर्सरी तैयार करते हैं उस टाइम पे गलन की बीमारी आती है, उसके लिए अपन सेक्टिन दवाई आती है, वो 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपन डेंचिंग कर सकते हैं उसका। और जब अपन रोपाई करते हैं उसके बाद में अपने को विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ता है कि पत्ते में कोकड़ी नहीं आ रही है। इस प्रकार का यदि होता है तो उसके लिए M45 जैसे कृषि वैज्ञानिकों को समय समय पर सलाह भी लेता रहता हूँ। वो जो रिक्वायर्ड करते हैं मतलब दवाई की मात्रा बताते हैं उस दवाई का उपयोग करता हूँ। और साथ ही साथ इसके अंदर में इल्ली वगैरह जैसे आ गई तो इसमें कॉन्फिडोर या इंट्रापिड इस प्रकार की दवाइयों का भी उपयोग करता हूँ इल्ली वगैरह के लिए। रखे माया के बाटा मुरी अंतस के भित्री माँ, रखे माया के बाटा रायपुर वाली टूरी झमाझम है घेरी बेरी मारे ताता। दुर्ग वाली टूरी टनाटन है घेरी बेरी मारे ताता। शहर वाली टूरी झमाझम है घेरी बेरी मारे ताता। दुर्ग वाली टूरी टनाटन है घेरी बेरी मारे ताता।
प्रिय किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगले अंक में हम आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।